हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पनेशिया ट्यूटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। इस वीडियो में मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगी नहीं, हम ये बताएंगे कि आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। आपके जो UGC नेट JRF का पेपर है वो दो पार्ट्स में है, Paper 1 and Paper 2, जिसके लिए एलिजिबिलिटी है कि अगर आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में सेकेंड सेमेस्टर में भी अपीयर कर रहे हो तब भी आप ये एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो। सो आप अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन है जिस सब्जेक्ट में भी करोगे वही आपका होता है Paper 2। सो Paper 2 जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कॉमर्स। तो जो भी MCOM के या कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं वो इस पेपर के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब Paper 2 हमारा पहली बात इतना वाइड है क्योंकि आपने अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी टॉपिक्स करे हैं वो सब के सब हमारे सिलेबस में कवर होते हैं। तो आपको पहले स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा कि हम लोग कौन से यूनिट्स करें और कौन से हम स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बिफोर डिस्कसिंग टॉपिक्स हम बात करते हैं कि हमारे Paper 2 में कितने क्वेश्चन होते हैं। सो आपको वहां पर मिलने वाले हैं 100 क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच। सो आपके सिर्फ Paper 2 कॉमर्स के यानी कि जो आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा वो टोटल आपका होने वाला है 200 मार्क्स का, जिसके लिए आपके पास अप्रॉक्स 2 आवर्स होंगे क्योंकि आपका ओवरऑल टाइम होता है 3 आवर्स का, जिसमें आपको अपने Paper 1 के 50 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के यानी कि 100 मार्क्स का पेपर आपको वो अटेम्प्ट करना है। सो ओवरऑल आपका UGC का पेपर होगा 300 मार्क्स का, जिसमें से Paper 1 100 एंड Paper 2 200। तो अब कॉमर्स में हमारे पास 100 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स के होने वाले हैं और उसके लिए सिलेबस में है हमारे पास 10 यूनिट्स। तो पहली टिप तो आपके पास ये है कि जब भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो आप अपने पास सिलेबस का जो है वो प्रिंट आउट डेफिनेटली रखो, क्योंकि आपको बुक्स में से करना है लेकिन जो UGC ने आपको सिलेबस में टॉपिक्स मेंशन करे हैं हमें उसी टॉपिक्स को ही सिर्फ करना है। हम अगर करने बैठ जाएंगे बुक्स में से तो बहुत ही ज़्यादा वास्ट हो जाएगा। सो हमें उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि आपको ये यूनिट्स करने हैं और इन यूनिट्स में भी कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आपको कवर करने वो मेंशन है। सो ऑलवेज कीप योर प्रिंटेड कॉपी ऑफ सिलेबस विद योर सेल्फ सो दैट कि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो। आप एक्स्ट्रा मत कर लो, ठीक है। एक्स्ट्रा करने के कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे जब आप सिलेबस में लिखे हुए टॉपिक्स करके जाओगे, ठीक है। सो वी हैव 10 यूनिट्स, बिजनेस एनवायरमेंट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च, बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM, देन बैंकिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, लीगल एस्पेक्ट्स और इनकम टैक्स। ये 10 यूनिट्स में ही आपका पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन का यानी BCOM एंड MCOM का जो सिलेबस है वो डिवाइडेड है। सो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि कौन कौन से यूनिट्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसको आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहले है हमारे पास Unit 1, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। 2 टॉपिक्स में ये डिवाइडेड है, एक है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आ जाते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, लीगल एनवायरनमेंट है। इसमें से भी जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें जो उसकी रिड्रेसल मशीनरी है, कंज्यूमर के राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन हमारे पास FEMA है, देन हमारे पास CSR है। CSR की जो भी नोटिफिकेशन की अपडेशन आती रहती है कि कौन सी कंपनीज को CSR की जो प्रोविजन है वो मीट करनी है, सो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज इकोनॉमिक एनवायरमेंट में इकोनॉमिक सिस्टम, जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज, मॉनिटरी पॉलिसीज बन रही हैं तो उसमें जो भी अपडेशन आती रहती हैं, ठीक है, क्योंकि ये हम ज्यादा पुराना नहीं कर सकते हैं, लास्ट 2-3 ईयर्स की मॉनिटरी पॉलिसीज के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उसके बाद इसी यूनिट का जो सेकंड पार्ट है दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस। IB जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज थियोरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें मर्केंटाइल थियोरी, कंपैरेटिव थियोरी, ये सारी जो इंटरनेशनल बिजनेस थियोरीज हैं वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली, मतलब उसमें से आप 1-2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन मोड्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, आप इंटरनेशनल बिजनेस में कैसे एंटर कर सकते हो, जॉइंट वेंचर के थ्रू, स्ट्रेटेजिक अलायंस के थ्रू, या कौन सा मोड है जो आपके पास अवेलेबल है। सो हर एक मोड की डेफिनेशंस और उसकी जो एंट्री की रिस्ट्रिक्शंस एंड ऑल है वो आपको करने हैं। देन FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन सी हैं, किस किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, किसके क्या मैरिट्स हैं, डीमैरिट्स हैं। देन BOP इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से आप 1-2 क्वेश्चन जो हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
देन ये इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स है, ट्रेड एग्रीमेंट्स है, सार्क, नाफ्ता और जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, उसके अलावा WHO हो गया, इसके जो क्वेश्चंस है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये कब एस्टैब्लिश हुए, इनका हेड ऑफिस कहाँ है, ये क्या फंक्शंस करते हैं, ये क्वेश्चंस सीधे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इनका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, इनके ऑफिसेज, इनका हेडक्वार्टर ऑफिसेज, सो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग. अब अकाउंटिंग में स्टार्टिंग जो हमारा प्लस वन में हमने पढ़ा था कि हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स, कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल, एक्रूवल प्रिंसिपल, जो भी कन्वेंशंस हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं. देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास पार्टनरशिप अकाउंट. पार्टनरशिप में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन एंड इंसॉल्वेंसी, जिसमें आपको प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं. ठीक है, प्रैक्टिकल अभी ऐसा है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चंस तो आ नहीं सकते हैं. ठीक है, MCQ टाइप है, तो जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चन हो गए या 1 and 2 एंट्रीज जो मर्ज हो सकती हैं, सिर्फ उतने लेवल के क्वेश्चंस आते हैं. बट फॉर दैट आपको ये सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होने चाहिए. अब उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग. कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में शेयर्स के रिगार्डिंग, हम शेयर्स कब इशू और कैसे इशू कर सकते हैं. देन ये एक्विजिशन, मर्जर, अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, ये चीज़ें तो आप क्रैम बिल्कुल कर ही लो, क्योंकि इसमें से हर बार जो है क्वेश्चन आ जाता है, कोई ना कोई टर्म जो है वो डेफिनेटली पूछ ही लेते हैं. मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में पूछ लें कि किसका क्या मीनिंग है, उसको उसके साथ मैच करो. सो ये सारी टर्म्स, एक्विजिशन, मर्जर, अमलगमेशन और रिकंस्ट्रक्शन, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं. उसके बाद आता है हमारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट भी वैसे बहुत वास्ट है, लेकिन हमें कॉस्ट में सिर्फ कुछ लिमिटेड टॉपिक्स करने हैं, जैसे कि मार्जिनल कॉस्टिंग है, CVP एनालिसिस है, ब्रेक इवन एनालिसिस है, देन बजटरी कंट्रोल, टाइप्स ऑफ बजट्स जो हुए हैं, जितनी भी कंट्रोलिंग टेक्निक्स हैं, कौन कौन से बजट्स प्रिपेयर होते हैं वो सारे. देन उसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग, ABC हो गया, GIT हो गया, टारगेट कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग, सो वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. देन उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में रेशियो एनालिसिस, इसका प्रैक्टिकल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हर बार एक क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम रेशियोज. ठीक है, डायरेक्ट 1 mark का क्वेश्चन आपका इसमें से आ जाता है, रेशियो ही लगानी है उसमें, सिर्फ आपको फॉर्मूलाज याद करने हैं. देन अकाउंटिंग इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये थोड़ा लर्न करने वाला पार्ट हो गया, क्रैम करने वाला. आपको वेरियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और उसके आगे वो स्टैंडर्ड किसके लिए है, कौन सा स्टैंडर्ड गुडविल के लिए है, इन्वेंट्री के लिए है, देन डिस्क्लोजर के लिए है, सो वेरियस स्टैंडर्ड्स फॉर वेरियस प्रोविजंस, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे. देन रीसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग. ऑडिटिंग जो है उसमें नॉर्मल टॉपिक्स हैं, थियोरी वाला पार्ट है. ठीक है, अब रीसेंट ट्रेंड्स उसमें अपडेशन होती रहती हैं, वो थोड़ा सा हमें पेपर के लिए पढ़ के जाना पड़ेगा, जैसे कि मैनेजमेंट ऑडिट हो गया, एनर्जी ऑडिट हो गया, एनवायरमेंटल ऑडिट हो गया. तो देखो सिलेबस में टॉपिक्स तो बहुत सारे मेंशन है. ठीक है, पहले आपको ये देखना है कि चैप्टर कौन सा है, देन टॉपिक कौन सा है. ठीक है, कईयों में ऐसा है कि पूरी पूरी बुक का नेम लिखा हुआ है, जो आपने जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो पूरी बुक होती थी, अब आपको उसमें से पूरी बुक नहीं करके जानी है, आपको सिर्फ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मीनिंग पता होना चाहिए. ठीक है, और वहीं अगर हमारे सिलेबस में एक पर्टिकुलर टॉपिक का नाम मेंशन है तो वो आपको टॉपिक डिटेल में पढ़ना है. ठीक है, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेटजाइज करके अपनी तैयारी करनी है. आप जितना हो सके आप अपने नोट्स प्रिपेयर करो. ठीक है, आप क्लासेस लगाओ, आप हमारी क्लासेस भी ले सकते हो. वी हैव ऑनलाइन लेक्चर्स ऑल्सो, जिसमें आपको उसके PDF नोट्स और MCQs भी मिल जाएंगे. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आपके अपने सेल्फ नोट्स जो हैं वो ज़रूर बने होने चाहिए. आप कोई भी बुक रेफर कर लो, आप कोई भी क्लासेस लगा लो, जब तक आप खुद सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, अपने नोट्स नहीं प्रिपेयर करोगे, तब तक वो आपको टॉपिक नहीं समझ में आएगा. ठीक है, सो बात करते हैं हमारे यूनिट 3 की, जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स. ये पूरा का पूरा जो यूनिट है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इस यूनिट में आपकी जो +1, +2 की माइक्रो इकोनॉमिक्स है मेजरली वो कवर होती है. ठीक है, तो इतना कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, लेकिन इसमें से हम 8 to 10 questions जो हैं वो ईजिली एक्सपेक्ट कर सकते हैं.
सो इसमें हमारे डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देन रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर, डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर जो है उसमें कैसे ए आर और एम आर बिहेव करते हैं, देन कंज्यूमर बिहेवियर, यूटिलिटी एनालिसिस, आई सी कर्व्स, आई सी की प्रॉपर्टीज क्या है, देन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर, देन थियोरी ऑफ कॉस्ट में वेरियस कॉस्ट कर्व्स, ए सी एम सी का बिहेवियर क्या है लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में, देन टाइप्स ऑफ मार्केट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हर मार्केट का क्या प्राइस डिटर्मिनेशन स्ट्रक्चर है, मोनोपोली में कैसे प्राइस डिसाइड होता है, ओलिगोपोली में कैसे होता है, सो सब में ए आर एम आर का, इलास्टिसिटी का क्या इंपॉर्टेंस है वो, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज प्राइजिंग स्ट्रैटेजीज। आपको ये टॉपिक जो है मार्केटिंग में भी मिलेगा, ठीक है, वेरियस प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज क्या है कि हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड कर सकते हैं, तो प्राइस स्किमिंग, प्राइस पेनिट्रेशन, या अपार्ट फ्रॉम दिस जितनी भी आपको प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज मिलती है ना वो कर लो, क्योंकि इसमें से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलता ही मिलता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट इज बिजनेस फाइनेंस। सो बिजनेस फाइनेंस जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट है, मतलब इसको आपको क्या करना है, आपको इसके फॉर्मूलाज बेसिकली याद करने हैं, ठीक है, जितनी भी थियोरीज हैं उन सारी थियोरीज के फॉर्मूलाज, उन थियोरीज की अजम्पशंस क्या हैं, उन थियोरीज में क्या क्या कवर होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, ये सब आपको जो है इसमें करके जाना है। जैसे कि हमारे पास कैपिटल बजटिंग के आगे डिफरेंट मैथड्स हैं जो कि पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको कोई ना कोई मैथड से क्वेश्चन आ ही सकता है, चाहे वो पे बैक से आए, चाहे वो नेट प्रेजेंट वैल्यू से आए, या वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कोई भी क्वेश्चन जो है इस टॉपिक में से पूछा जा सकता है, इंडिविजुअली सिर्फ इस टॉपिक से पूछा जा सकता है। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ कैपिटल के वेरियस फॉर्मूलाज हैं, देन डिविडेंड डिसीजंस हैं हमारे पास, डिविडेंड रिगार्डिंग हमारे पास थियोरीज हैं, नेट ऑपरेटिंग है, मोदी की एमएम थियोरी है, ये सारी थियोरीज के जो अजम्पशंस हैं, फीचर्स हैं, वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसके अलावा रिस्क एनालिसिस हो गया, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज रेट हो गया, देन ये हमारी इंटरनेशनल जो सिक्योरिटीज़ हैं GDR, ADR, तो उसकी कंडीशंस क्या होती हैं, कहाँ पे हम इशू कर सकते हैं, बट जो टॉपिक मैं बता रही हूँ आपको, ये टॉपिक आप पेपर के लिए छोड़ ही नहीं सकते हो, इतने टॉपिक्स भी अगर आप कर लेते हो तो आपका अप्रॉक्स 70-80% सिलेबस जो है वो कवर हो जाता है। देन देयर इज फिफ्थ यूनिट, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। दो पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड करा, एक है स्टैटिस्टिक्स जिसमें आप अपनी मीन मीडियन मॉड हो गया, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, कोरिलेशन, प्रोबेबिलिटी। अब इसमें क्या है, सारे के सारे प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है, तो आपको फॉर्मूलाज तो करने ही करने हैं, ठीक है, बट उसकी जो फीचर्स हैं, उन फॉर्मूलाज की जो एप्लीकेशन है वो भी करनी करनी है, मतलब इसका जो थ्रेटिकल पार्ट है वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि मीन की, अर्थमेटिक मीन की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कोरिलेशन की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रोबेबिलिटी का क्या मीनिंग है, प्रॉपर थ्रेटिकल पार्ट। सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं, इसमें से थ्रेटिकल क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं, तो स्टैटिस्टिक जो एक पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है रिसर्च मेथड, तो ये चीज़ हमारी पेपर वन में भी कवर होती है, उसमें भी हमारा रिसर्च का टॉपिक है, सो यहाँ पर हमारा वो रिवाइज हो जाता है, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं कि रिसर्च के मेथड्स क्या हैं, कंसेप्ट एंड टाइप्स क्या है, रिसर्च डिज़ाइन, देन डाटा कैसे क्लासिफाई होता है, क्लासिफिकेशन, देन आप डाटा कैसे कलेक्ट करते हो, प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज, देन मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, वेरियस मेथड्स हैं, ठीक है, और बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्लस्टर सैम्पलिंग कैसी होती है, स्टाटस कैसे बनाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सारे जो हमारे टेस्ट कवर हो रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे एफ टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, जितने भी टेस्ट हैं, इन सब के फॉर्मूलाज, इन सब की एप्लीकेशंस, वो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूनिट 6, बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें प्रिंसिपल्स आ गए सबसे पहले तो मैनेजमेंट के, मैनेजमेंट का मीनिंग क्या था, उसके प्रिंसिपल्स क्या थे, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज कि मोटिवेशन और लीडरशिप की थियोरीज कौन कौन सी हैं, ठीक है, वेरियस थियोरीज आपके पास इसमें होंगी, देन इसमें पर्सनालिटी की थियोरीज आ जाएंगी, पर्सनालिटी में भी काफ़ी टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे कि पर्सनालिटी की थियोरीज, उसके अलावा कन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसका एक ना एक क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेपर में,
उसके अलावा जॉब इवेल्युएशन, ये सिर्फ एक टॉपिक है, इसके रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, लेकिन इसमें से एवरी ईयर एक क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है. अपार्ट फ्रॉम दैट कि हम अपने एम्प्लॉयज को कैसे कंपनसेट करते हैं, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे होता है, हमारे पास वेरियस मैथड्स है, ट्रेडिशनल मैथड है, मॉडर्न मैथड्स हैं, उसमें से सारे मैथड्स इंपॉर्टेंट है. अब स्पेसिफिकली उन्होंने मैंशन किया हुआ है सिलेबस में 360 degree, तो ये मैथड तो मतलब डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा परफॉर्मेंस अप्रेजल के जो रिमेनिंग मैथड्स हैं वो भी आपने कंसिडर करने हैं. देन ह्यूमन रिसोर्सेज की सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग के मेथड्स, वो भी एक पार्ट है हमारे सिलेबस का. देन नेक्स्ट ईयर इट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहले हमें मार्केटिंग का मीनिंग, उसके 4 P's 7 P's सबके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए. मार्केटिंग जो यूनिट है वो बहुत ही वास्ट है और बहुत ही ज़्यादा इसमें टर्म्स जो है ना वो अपडेट होती रहती हैं. रीसेंट ट्रेंड्स जो है ना मार्केटिंग में वो बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपको अपने को अपनी पुरानी बुक से तो रेफर कर ही सकते हो, लेकिन उसके अलावा आप अपने आप को अपडेट करते रहो कि अभी नई टर्म्स क्या चल रही है मार्केटिंग में, क्योंकि मार्केटिंग में मार्केट्स रिलेटेड, कंज्यूमर्स रिलेटेड वेरियस टर्म्स जो हैं वो आ जाती हैं. देन मार्केटिंग में हमने 4 P's, जिसमें प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और उसके अलावा प्लेस मिक्स, ये सारे पीस जो हैं वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है. देन नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट 7, दैट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या क्या कवर होता है, टाइप्स ऑफ बैंक्स, बैंक्स के क्या फंक्शंस हैं, देन RBI के क्या फंक्शंस हैं, RBI किस तरह से मॉनिटरी पॉलिसी बनाता है, कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस वो कंसिडर करता है, देन बेसल नॉर्म्स में से भी आप एक दो क्वेश्चन जो हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हो. NPA, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होती हैं, क्या उसकी लिमिट्स होती हैं, उनको मैनेज कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है. अपार्ट फ्रॉम दैट वेरियस फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ कौन कौन सी हैं, देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन सी हैं. ठीक है, जब भी देखो इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स या किसी ऑर्गेनाइजेशंस के नेम आते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन उनका ये बनता है कि उनका ईयर क्या रहा है. ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टैब्लिश हुई है और उनके एस्टैब्लिश होने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो चीज़ें हैं वो आपको हर एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में याद करनी है. अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, नॉन बैंकिंग कंपनीज, तो कौन कौन सी नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं, कब वो एस्टैब्लिश्ड हुई, किस पर्पस से एस्टैब्लिश्ड हुई, ये आपको याद करना है. उसके अलावा रेगुलेटर्स कौन कौन से हैं हमारे यहाँ पे, और डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग, क्योंकि ये मॉडर्न टॉपिक है, यानी कि अभी जो इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सब चीज़ें आ रही हैं, अब प्लास्टिक मनी यूज़ हो रही है, नई नई जो इनोवेशंस आ रहे हैं बैंकिंग में, वो पेपर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जो भी रीसेंट टर्म्स होती हैं ना, चाहे वो मार्केटिंग से रिलेटेड या बैंकिंग से रिलेटेड, उसको आप पहले करके जाओ. देन इंश्योरेंस में से भी आप 1 or 2 क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इंश्योरेंस कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स क्या हैं, लिमिट्स क्या हैं, वो सारी. देन यूनिट 9 है हमारा लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस. ये एक ऐसा यूनिट है जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे लॉज हैं. ठीक है, हमारे पास कंपनीज एक्ट है, लीगल एक्ट्स डिफरेंट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल एक्ट, कंपटीशन एक्ट. सो इस यूनिट को मैं एडवाइस करूँगी कि आप एज इट इज़ ही आपको लर्न करना है, क्योंकि इसमें हम अपने अकॉर्डिंगली तो एक्ट की डेफिनेशंस को कन्वर्ट कर नहीं सकते हैं. ठीक है, जो एक्ट का ईयर है, जो उसमें डेफिनेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस गिवन है, आपको वही एज इट इज़ लर्न करनी है. So, ये यूनिट जो है वो आप लास्ट के लिए रखो अगर आपको लग रहा है, बिकॉज ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है. ये सारे भी हमारे पास लॉज हैं, इसके अलावा ये सारे भी हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो गया, RTI एक्ट हो गया, IPR हो गया, GST हो गया, तो ये इंडिविजुअली अगर हम सिंगल सिंगल लॉ भी पढ़ने चाहेंगे ना तो पूरी पूरी बुक है हमारे पास. बट आपको इसमें से करना क्या है, जो भी उस लॉ का या एक्ट का एस्टैब्लिश होने का पर्पस क्या है, उसमें जो मेन मेन टर्म्स हैं, मेन मेन जो प्रोविजंस हैं, वो सारी आपको याद करनी है. ठीक है, और वो एज इट इज़ याद करनी है, उसको आप अपने अकॉर्डिंगली अपने कह लो कि ईजी लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो. जो डेफिनेशन लॉ में गिवन है वो वैसे ही उठानी पड़ेंगी. एंड लास्ट यूनिट है जो इनकम टैक्स. यूजली बच्चों को इनकम टैक्स बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन UGC की में जो इनकम टैक्स का सिलेबस है ना, वो बहुत ही कह लो कि ईजी है. ईजी इन द सेंस कि आपको ना क्रैम ही करना पड़ेगा कि कौन कौन सी डिडक्शंस हैं, डिडक्शंस के जो सेक्शंस होंगे वो आपको याद करने हैं, देन कौन कौन सी प्रोविजंस दी हैं रिगार्डिंग रेजिडेंशियल स्टेटस या रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग. तो जितनी भी डिडक्शंस हैं उनके सेक्शंस, जितने भी फॉर्म्स हैं, ठीक है, जब आप अप्लाई करते हो टैक्स के लिए,
तो जब भी आप अप्लाई करते हो ठीक है टैक्स के लिए, तो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, TDS का अलग फॉर्म होता है, एडवांस टैक्स का अलग फॉर्म होता है, ई फाइलिंग के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं. सो बेसिकली आपको टैक्स में ना जो उनकी प्रोविजंस हैं वो जैसी गिवन है वैसी आपको लर्न करनी है, ठीक है. उसमें भी आप जो है मोल्ड नहीं कर सकते उसको. तो जो लास्ट 2 units हैं उसमें आपको लर्निंग वाला पार्ट ज़्यादा है, ठीक है. सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन प्लानिंग योर स्टडी मटीरियल कि आप कैसे और कब कौन सा यूनिट करोगे. आई सजेस्ट कि आप पहले उन यूनिट से स्टार्ट करो जो आपके स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है. उनको आप फटाफट 4 to 5 weeks में जो है वो यूनिट्स वो सब्जेक्ट कवर करने के बाद दूसरे सब्जेक्ट को स्टार्ट करो जहां पे आपको थोड़ी सी फोकस करने की जरूरत है, और लास्ट में वो चीजें छोड़ दो जिसको अभी आपने शुरू से शुरू करना है, ठीक है. तो एटलीस्ट जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो हमारी हमेशा स्ट्रेंथ ही रहनी चाहिए, वो हमारी वीकनेस ना बन जाए. आपके जो इंपॉर्टेंट एरियाज है आप उसके ऊपर फोकस करो. एंड इफ यू वॉन्ट पर्टिकुलरली एनी टॉपिक सो लेट मी नो इन द कमेंट, हम वो टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले डिस्कस कर लेंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव आर panishiatutor.com जहां से आप हमारी जो ऑनलाइन कोर्स है वो ले सकते हो, जहां पे आपको वीडियोस, नोट्स और MCQs जो हैं वो घर बैठ के ही मिल सकते हैं. सो आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और आपकी जो प्रिपरेशन हैं वो ईजिली घर पे भी हो सकती हैं, ठीक है. टिल देन कीप स्टडी एंड कीप स्माइलिंग. थैंक यू.